तो दोस्तों, आज रूस ने भारत की सहायता के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के उठाने से जो अमेरिका और पश्चिमी देश दादागिरी दिखाते हैं कि ऐसा काम करो वैसा काम मत करो, उनकी सारी दादागिरी निकल जाएगी और भारत और रूस की दोस्ती को कोई भी टस का मस नहीं कर पाएगा। दरअसल आप सभी को मालूम है कि इस साल जब भी भारत की तरफ से किसी भी प्रकार की डील हो, चाहे हमने रूस से फर्टिलाइजर लिया हो, कोयला लिया हो या फिर कच्चा तेल ही क्यों ना लिया हो, अमेरिका वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। और अमेरिका वाले चाहते हैं कि भारत रूस के साथ किसी भी प्रकार का जो व्यापार है वो करना ही बंद कर दे, जबकि आप सभी जानते हो कि रूस के साथ व्यापार करके हमने 5 से 10 बिलियन डॉलर तक बचाए हैं एक साल के अंदर, क्योंकि इतना सारा पैसा यदि हम दूसरे देशों से माल को खरीदते तो वो देश आसानी से भारत से ले लेते, परंतु रूस के साथ व्यापार करने के कारण भारत का 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए तक बच जाएगा। पर आप सभी भी जानते हो कि जब रूस और भारत के व्यापार को बंद करने में अमेरिका के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो फिर अमेरिका प्रतिबंधों का सहारा लेने लगता है, जिससे भारत को ना चाहकर भी रूस के साथ व्यापार बंद करना पड़ता है। परंतु आज रूस की तरफ से ईरान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और रूस और ईरान मिलकर दोनों ही देशों के रास्ते से एक ऐसा इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाने में लगे हुए हैं जिसके ऊपर दोनों ही देश करीब 25 बिलियन डॉलर यानी 2,10,000 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं। और एक बार यह मार्ग बनकर तैयार हो जाता है तो फिर रशिया से जो माल है वो सीधा हिंद महासागर के अंदर आएगा और अमेरिका और पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते रह जाएंगे, परंतु भारत को रूस से माल की सप्लाई कोई भी नहीं रोक पाएगा। परंतु यहाँ पर अमेरिका वालों के अब तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है यदि यह मार्ग बन गया तो रशिया ईरान को अपने हथियार बड़ी आसानी से सप्लाई कर पाएगा। और अब अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि हमें इस मार्ग के बनने के ऊपर ज्यादा बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रशिया किसी भी वक्त ईरान को अपने घातक हथियार सप्लाई कर सकता है। फिलहाल में भारत को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें हमारी जनता के हिसाब से रशिया के सस्ते माल की आवश्यकता है जो कि अब भारत को इस कॉरिडोर के बनने के बाद मिलेगा। फिलहाल में रशिया ने जो भारत के लिए किया है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।